हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए दोस्तों आपके मोबाइल पर यदि किसी का कॉल आता है तो आपके सिवा उस कॉल को कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, आपके सिवा उस कॉल को कोई भी नहीं उठा पाएगा। कोई भी उठाने की कोशिश करता है तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक लॉक लग जाएगा और वो लॉक सिर्फ आपको ही पता होगा। जब तक आप उस लॉक को नहीं खोलेंगे तब तक आपके फ़ोन को कोई उठा नहीं पाएगा। ये दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे ना रहने पर हमारा जो फ़ोन आए, प्राइवेट फ़ोन आए, तो उस फ़ोन को कोई दूसरा ना उठा पाए, तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करने के बाद में उस फ़ोन को सिर्फ आप ही उठा सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति उस फ़ोन को नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उठाने की कोशिश करेगा तो स्क्रीन पर लॉक लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको इस सेटिंग के बारे में जाननी है, इस ट्रिक के बारे में जाननी है, वो कौन सी ट्रिक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय में वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच। इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से करना होगा लाइक और यहाँ से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कॉमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कमेंट को दोस्तों यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम आपसे एक बात कह देते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो ही आप समझ जाइएगा कि यदि आपके फ़ोन पर किसी का भी फ़ोन आएगा तो आपके सिवा आपके कॉल को कोई दूसरा नहीं रिसीव कर पाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही आपको एक न एक समय पे फ़ायदा भी होगा। यदि आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है और आप चाहते हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन हमारे सिवा कोई दूसरा घर का आदमी ना उठा पाए, तो आप इस ट्रिक को यूज कर आप यह सारा काम कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उस एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप उसकी सेटिंग और किस तरीके से आपको अपने फ़ोन में सेटिंग करना है यह आप समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप वन है, तो स्टेप वन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, स्टेप वन के पास यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ ओके करने के लिए कहेगा, तो यहाँ से दोस्तों आपको ओके कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है, तो दोस्तों यहाँ से आप इस परमिशन को अलाउ कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है रीड फोन स्टेट, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पर देखिए, जो भी परमिशन अलाउ करेंगे यहाँ पे ग्रीन होता चला जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन खुलता है, यहाँ पर लिखता है सेट लॉक, तो इसके ऊपर में दोस्तों आपको नॉन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं वैसे दोस्तों आपको यहाँ पे पिन लॉक और पैटर्न लॉक लगाने का ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए आपको जो भी लॉक लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं पिन लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं पिन के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने पिन के ऊपर में क्लिक कर दिया तो तीसरा स्टेप खुल गया, यहाँ पर सेट पिन का ऑप्शन आ गया, तो सेट पिन के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं वैसे दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप जो मर्जी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं, चार अंक का रख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए 000 ही रख लेता हूँ। रखने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद री इंटर यानी कि री इंटर पिन फिर से कह रहा है डालने के लिए, तो फिर से आपको 000 मैंने जो डाला वो आप अपनी मर्जी से डाल दीजिएगा। यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन है, कन्फर्म के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों ये देखिए पांचों स्टेप ग्रीन हो गया और यहाँ पे इनेबल लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका जो है काम हो गया। यहाँ पे पाँचवा स्टेप है सेटिंग का, तो यदि आप सेटिंग करना चाहते हैं तो पाँचवें स्टेप पर आपको क्लिक करना है। पांचवा स्टेप पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे सेट बैकग्राउंड का, यहाँ पे शो कॉलर नेम का। यदि आप चाहते हैं कि लॉक लगने के बाद भी उस व्यक्ति का नाम दिखे यानी उसका नंबर दिखे कि किसका फ़ोन आ रहा है, तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नंबर भी ना दिखे तो इस बॉक्स को आपको खाली रखना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको ये सेटिंग कर ये सारा काम अपने फ़ोन में कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आप किसी का भी आपके फ़ोन पर यदि कॉल आएगा
तो स्क्रीन पर लॉक लग जाएगा और जब तक आप ये पासवर्ड नहीं डालते हैं तब तक आप अपने फ़ोन को नहीं उठा पाएंगे। यदि कोई दूसरा भी उठाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर में लॉक लग जाएगा और जब तक वो लॉक नंबर नहीं डालेगा तब तक आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसी जानकारी के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन